देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। आज हम राजधानी पटना के लंगर टोली स्थित पहुंचे हुए हैं बंगाली अखाड़ा, जहां पे बंगाली अखाड़े की प्रतिमा राजधानी पटना में एक खास जगह रखती है। और इस प्रतिमा को लेकर हर किसी के मन में यह एक ख्वाहिश होती है कि यहां का भ्रमण जरूर करें। अगर दशहरा पूजा में आप घूमने निकल रहे हैं तो बंगाली अखाड़ा ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे खास रीति रिवाज के साथ यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना भी होती है। बंगाली रीति रिवाज के अंतर्गत तैयार की गई हर पूजा विधि और मूर्ति का दर्शन आप दिनमान टाइम्स पर लाइव देख सकते हैं। सातवें दिन माँ के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी काफ़ी जुटी हुई है। आप अगर बंगाली अखाड़ा आना चाहते हो तो राजधानी पटना की लंगर टोली आकर बंगाली अखाड़े स्थित माँ दुर्गा की दर्शन कर सकते हैं। बंगाली रीति रिवाज से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बंगाली अखाड़े का इतिहास 126 वर्षों पुराना है। यह स्थान अपने आप में अनूठा है। अभी आप बोरिंग रोड चौराहा स्थित माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, जो व्यापार मंडल के द्वारा स्थापित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलश की भी स्थापना की गई है और माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कलश की स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई है। यह बोरिंग रोड चौराहा स्थित की तस्वीर है। यहाँ पर मूर्ति कलाकार का नाम भी दिखाया गया है, जो सालिमपुर अहरा पटना 3 के रहने वाले हैं और उनका नाम है श्री शिव शंकर पंडित। आप बोरिंग रोड चौराहा स्थित माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ मौजूद हैं मछुआ टोली यानी राजधानी पटना के आर्य कुमार रोड, जहाँ पे माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनाई गई है और कलश स्थापना भी किया गया है। यह जो पूजा समिति है 60 वर्षों से यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा बना रहा है और यह ABC यानी कि एथलेटिक बॉयज क्लब के द्वारा यह प्रतिमा बनाई जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से दो अन्य मूर्तियां भी स्थापित की गई है, इसके साथ ही कलश स्थापना भी किया गया है। प्रतिमा आप अगर दशहरा घूम रहे हैं तो इस कड़ी में आप नाला रोड स्थित शिव मंदिर आकर माँ दुर्गा की दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की भव्य प्रतिमा आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। प्रतिमा भी स्थापित की गई। यह स्थान है दूजरा स्थित पहलवान घाट, जो राजापुर से गांधी मैदान के बीच रास्ते में पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं
गोलघर चौराहा स्थित माँ दुर्गा के स्थान पे कलश स्थापना की तस्वीर। पुलिस लाइन के करीब गोलघर चौराहा इस बार प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहां पे मां की प्रतिमा के स्थान पे कलश स्थापना किया गया है। वहीं इसके ठीक सामने मां दुर्गा की एक मंदिर भी है, जहां पे एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बोरिंग रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास दुर्गा कलश स्थापित किया गया है। कोरोना को देखते हुए इस बार प्रतिमा की स्थापना नहीं की गई है। व्यवसायी संघ द्वारा यह हर वर्ष दुर्गा पूजा आयोजन किया जाता है और इस बार भी किया गया है। हालांकि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है और प्रतीकात्मक रूप में मां दुर्गा की तस्वीर रखी गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रतिमा की जगह पर कलश की स्थापना की गई है।